भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का आज छठा दिन है। दिल्ली पुलिस में 21 अप्रैल को नाबालिग रेसलर समेत 7 महिला खिलाड़ियों ने बृजभूषण के खिलाफ शिकायत दी थी। इस पर केस दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद रेसलर्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अदालत आज इस याचिका पर सुनवाई करेगी। पहलवानों के इंसाफ की इस लड़ाई में अब तक कई नामी सितारे और खिलाड़ी भी उतर चुके हैं, जिनमें नीरज चोपड़ा। ना व्हाट्सएप ज्ञान, आज इस वीडियो में मैं एलर्जी के ऊपर बात करने वाली हूँ। ना फेसबुक बखान, अगर आप वेट लॉस डाइट पे हो तो भी आप पीनट्स खा सकते हो। झूठे फैक्ट्स नहीं, ना एक्सपेंसिव सामान, बस बात सेहत की रख कर आपका ध्यान। नीज की पेन चाहे वो आर्थराइटिस का इशू हो या कोई भी नॉर्मल पेन हो, ये बहुत कॉमनली यंग एज ग्रुप में भी हो रही है। एक नंबर और हर समस्या का हल, डाइट वर्च्यूज सेहत का साथी हर पल। बात करें सर्टिफाइड डाइटिशियन वाणी सिंगला से लाइव 1 मई को दोपहर 2 बजे सिर्फ नेशन स्पीक्स पर 8091930300 पर। डाइट नोट्स विद वाणी सिंगला ब्रॉट यू बाय डाइट वर्च्यूज। उर्मिला मातोंडकर, सानिया मिर्जा, नवजोत सिद्धू, वीरेंद्र सहवाग, सोनू सूद, इरफान पठान, निखत जरीन और हरभजन सिंह शामिल हैं। और अब इस सब के बीच हरियाणा से खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। ये अच्छी खबर सचमुच खिलाड़ियों का हित ध्यान में रखकर लिया गया फैसला है या खिलाड़ियों को लुभाने का बस एक जरिया? दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को ग्रुप सी की नौकरियों में 3 अन्य विभागों में भी आरक्षण देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सर्कुलर जारी कर दिया है। 3 नए विभागों में जेल विभाग, वन एवं वन्य जीव विभाग और ऊर्जा विभाग को शामिल किया गया है। सरकार द्वारा इससे पहले गृह विभाग, खेल एवं युवा मामले विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग और प्रारंभिक शिक्षा विभाग में उत्कृष्ट खेल व्यक्ति और पात्र खेल व्यक्ति की श्रेणी के तहत खिलाड़ियों को आरक्षण दिया जा रहा है। सरकार के नए फैसले से अब 3 और नए विभागों को शामिल कर दिया गया है। इसके साथ साथ हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए सरकार एक और खुशखबरी देने जा रही है। जल्द ही खेल विभाग में भर्ती की जाएगी। विभाग में 659 खाली पड़े पदों को लेकर सरकार जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगी। हालांकि इन पदों पर भर्तियां हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए की जाएंगी। विभाग की ओर से पदों को भरने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को प्रस्ताव भेजा गया है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।